हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन। इसमें हमने हल्दी और नमक लगा के रखा, तो बहुत आसान रेसिपी है, आप देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहीम, तो अल्लाह के नाम से शुरू, जो नहायत रहम करने वाला। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो यहाँ हमने ये 10-12 लहसुन की जो ली हैं वो पीस ली हमने अच्छे से। और हाँ, तो हमें प्याज हल्की ब्राउन, ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल हल्की हल्की सी इनको फ्राई करना है। फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हाँ, तो देखें हल्की हल्की प्याज हमारी हो रही है फ्राई। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को फॉलो करना है और झटपट से चिकन बनाना है। अच्छा, तो हमने लिया है 1/2 किलो चिकन और उसमें 2 अदद हमने प्याज लिए हैं। 1 किलो अगर आप चिकन लेते हैं तो उसमें 3 अदद प्याज लें आप, और लहसुन की जो हैं वो आप 20-25 ले लें। हमने 10-12 लिए हैं। 2 टमाटर हमने लिए हैं, तो आप 4 टमाटर भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके, अच्छा, तो अब ये जैसे प्याज फ्राई हो रही है, तो अब इसमें हम लहसुन, ये हरी मिर्चें डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। हमें इन्हें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हाँ, तो 1/2 चम्मच हल्दी, ये देखें, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और इसमें हम चिकन डाल देते हैं जो हमने हल्दी लगा के रखा हुआ था। इसको ढक देंगे हम। इसमें हमने पानी नहीं डालना है और ये अच्छे से गल जाएगा। और इसमें हमने क्या अहम मसाले डालने वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें पहले टमाटर ऐड कर दें, ताकि टमाटर के पानी में ये अच्छे से गल जाए। और इसको ढक दें 10 मिनट के लिए। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। हाँ, तो यहाँ हमने ये देखें इलायची लिए। वीडियो अगर देख रहे हैं आप और वीडियो अच्छी भी लग रही है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले। ओके, तो ये देखें इलायची हमने डाल दी इसमें। तो ये हमें कुछ ज़्यादा लग रही है, तो हम निकाल लेते हैं। और इसमें अब देखें, अब इसका छिलका कैसे हटाना है, इसको हल्का सा मारना है, ये खुद ही निकल जाएगा। छिलका ऑटोमेटिक उतर जाएगा। ये देखें, हम थोड़ा सा काट को खोल के दिखाएंगे। देखिए हड्डिया इसका अलग हो रहा है इससे। तो ये देखें सारा निकल जाएगा ऐसे ही। ऐसे ही आपने सारे निकाल लेने हैं। ओके, 4-5 इलायची के दाने हमने निकाल लिए। इसको हम डाल देते हैं इसमें और फिर इसको हम कूटेंगे। कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कर लें आप बिल्कुल काली। देखें थोड़ा सा लेंगे ज़ीरा, थोड़ी सी लेंगे सौंफ 1/2 चम्मच के करीब। यहाँ देखें डालते जाएं। और थोड़ा सा लेंगे हम मोटा धनिया। अच्छा, गरम मसाले में दालचीनी और ये तेज़पात पत्ता जो होता है वो होता है। इनको ड्राई रोस्ट नहीं कर रहे, बस सिर्फ ऐसे ही हम ये डालेंगे। हाँ, तो अब इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। हाँ, तो देखें अच्छे से हमारा ये भून जाता है। इसमें ऑयल जो है ना वो थोड़ा कम डालता है। तो ये देखें चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। अब इसमें हम गरम मसाला और काली मिर्च डाल देते हैं। बनके माशाल्लाह से इतना अच्छा बनेगा ये। देखें हमने अंदाजे से डाला है 2 चम्मच के करीब गरम मसाला। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे।
आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट करके काली मिर्च साबुत लेके भी डाल सकते हैं, उसका भी अलग सा मसाला बनता है चिकन का। तो ये देखें, हमने काली मिर्च भी इसमें ऐड कर दी।